Good morning. Morning. क्या बात है, तुम्हारी आंखें देखकर तो लगता है जैसे तुम रात भर ठीक से सोई नहीं। समीर, एक ही दिन में तुमने मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी नींद उड़ा ली है। मैंने? हाँ, तुमने। मैं समझा नहीं कुछ। समीर, नंदिनी, मुझे बताओ, तुम्हें मेरे प्यार पर या मेरे फैसले पर कोई शक है? नहीं, लेकिन तुम्हारे फैसले में हामी भरकर मैंने अपने घर वालों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है। समीर, मेरे घर वालों की जिंदगी मेरे बिना बिखर जाएगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry, समीर, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। नंदिनी, क्या हमें तुम्हारे घर वालों को यह समझाना पड़ेगा कि लड़कियां एक दिन अपना घर छोड़कर जाती है, अपना पियर छोड़कर उसे ससुराल जाना होता है? हाँ, लेकिन इतनी दूर, एक नए देश में, एक नए माहौल में, ये बड़ी बात नहीं है तो क्या? समीर, मैं ही ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों नंदिनी? तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे घर वालों को मेरी ज्यादा जरूरत है समीर। मुझे पढ़ाने लिखाने में, बड़ा करने में, एक बड़ा डॉक्टर बनाने में मेरे बड़े भाई ने बहुत कर्जा लिया है, और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी शादी करने के लिए वो और कर्जा ले। लेकिन नंदिनी, शादी करने के लिए कर्ज लेने की क्या जरूरत है? समीर, हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी अपना कोई स्वाभिमान है। देखो नंदिनी, ये मेरे लिए कोई अभिमान की बात नहीं है, लेकिन शादी का सारा खर्च मैं उठा लूंगा। समीर, बात ये नहीं है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम लोगों की क्या रात से कोई बात हुई है? रात से नहीं तो क्यों? वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और उसका सामान भी नहीं है। मुझे लगता है कहीं वो चला तो नहीं गया। चला गया? अरे, ऐसे कैसे बिना बताए चला गया? मैं देखती हूँ। किसी प्यार का दिया जलाने से रोशनी नहीं होती है, उस रोशनी को जलाने वाले के दिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज एक तरफे प्यार की कोई अहमियत नहीं होती है। अगर किसी से प्यार करो ना, तो उसे जरूर बताना चाहिए कि तुम उससे कितना प्यार करते हो।
क्या बात है भाभी जी, आज आपकी शक्ल कुछ बदली बदली सी लग रही है। नंदोई जी, आपके इस फैसले से मेरी नहीं पूरे घर की सूरत बदल गई है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे पास आके हाथ तो बताइए, समझाती हूँ। नंदोई जी, आप तो बड़े बेईमान निकले, आते ही घर की लक्ष्मी पे हाथ साफ कर दिया। लक्ष्मी? और नहीं तो क्या, नंदिनी हमारे लिए घर की लक्ष्मी तो है। अच्छा, आप नंदिनी की बात कर रही है। आप सब समझते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा एक बात तो बताइए। हाँ पूछिए। वो क्या है ना, मुझे चटपटी बातें करने में बड़ा मजा आता है। ये प्यार के छुपा छुपी का खेल मेरी नंद के साथ कब से चल रहा है? हंसी में टाल के ये मत समझिए कि हम आपका पीछा छोड़ देंगे, बताना तो आपको पड़ेगा ही कि ये प्यार कब हुआ और कैसे हुआ। अब यही तो नहीं पता चलता ना इंसान को कि प्यार कब हो जाता है, बस हो जाता है। अब ये गाड़ी गाड़ी बातें तो करिए मत, मुझे सीधे सीधे बताइए। तो आप सीधे सीधे पूछिए। अच्छा ये बताओ, चलो माना कि प्यार हुआ है, लेकिन नंदिनी ने आपको प्रपोज किया कि आपने नंदिनी को? भाभी फालतू की बातें करने में आपको बड़ा मजा आता है। इस घर में ना मेरे तो मुंह से आवाज निकालने में भी बस आफत है। अरे अपने भैया से बोलो कि शहर जाके एक ताला कुंजी ले आए और मेरे मुंह पे ताला लगा के जाया करे काम पे। अरे ये राज कहाँ चला गया? पता नहीं राज कहाँ चला गया। अरे भाई ये राज भी नहीं है और पता नहीं नंदिनी भी कहाँ चली गई। भाभी 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 जल्दी चलिए, मां आपको बुला रही है कब से, कुछ जरूरी काम है, आइए। अरे भाई आ रही हूँ आ रही हूँ। इस घर में ना मेरे बिना कुछ काम ही नहीं होता है। भाभी आती हूँ। बताओगे मुझे क्या बात है? ये जरूरी नहीं समझते। क्या इस तरह क्यों छोड़ के आ गए तुम? क्या बात हुई अमित, एक बार सोचा कि मुझे इस तरह छोड़ के चले जाओगे तो मुझ पर क्या गुजरेगी? अरे रो रो के बुरा हाल हो जाता मेरा, पता है तुम्हें कितनी डर गई थी मैं। किसी ने कुछ कहा या कोई बात हुई तो एक बार बोलना तो चाहिए ना राज, बस मुंह उठाए और चल दिए। घर वालों को क्या जवाब देती कि तुम कहां चले गए थे? राज क्या बात है, किसी ने कुछ कहा कि समीर ने तुमसे कुछ कहा है? ये समीर पसंद नहीं तुम्हें? नहीं नंदिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। In fact, समीर is a nice guy, बहुत अच्छा लड़का है। That's it, then what is your problem? बात क्या हो गई थी? दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए ये होते हुए। राज अगर मुझे कभी कोई घबराहट होती या बेचैनी सी महसूस होती तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें देखते ही मेरी सारी बेचैनी दूर हो जाती। Because you're my best friend, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। राज अगर दिल में कोई बात है तो उसे बोलनी चाहिए, जब तक तुम बताओगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या गुजर रही है। राज कम से कम जिंदगी के इस मोड़ पे तो मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ। तुम जानते हो कि मैं शादी के मंडप में तुम्हारे बिना नहीं पहुंच सकती। हिम्मत नहीं है इतनी मुझ में, तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे राज। और मैं ये शादी भी तो सिर्फ तुम्हारे भरोसे कर रही हूँ, और तुम हो कि इस तरह मुझे छोड़ के चले गए। व्हाट इज दिस राज, क्या एक बार भी तुम्हें एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ बोलो। I'm really sorry, really very sorry Nandini. Really very sorry Nandini. Sorry.
मेरी वड़ी से काम नहीं चलेगा। वादा करो, वादा करो मुझसे कि मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाओगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे इस तरह अकेला छोड़ोगे नहीं तुम, करो वादा। वादा करो मुझसे कि मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जाओगे। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे इस तरह अकेला छोड़ोगे नहीं तुम, करो वादा। तुम भी नाराज, जान आधी हो गई थी मेरी, घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ। बांध हुए या नहीं? सिर्फ फ्रेंड्स ना? सिर्फ कॉलेज तक या जिंदगी भर तक? जिंदगी भर तक, मे बी बियॉन्ड दैट टू। ग्रेट, आई लव पिंक, बाय। शीशा टूटा तो कितनी आवाज आई, दिल टूटने का किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला। बताओ नंदिनी को कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, जाओ राज। नहीं सारा, सारा मैंने नंदिनी को खो देने का दुख तो बर्दाश्त कर लिया है, पर उसकी नजरों से गिर जाऊं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी भर गीली लकड़ी की तरह सुलगते रहोगे, ये इतना आसान नहीं है राज। तुम यूं तड़पते रहोगे, नंदिनी के प्यार में आंसू बहाते रहोगे, जलते रहोगे,
बताओ। सारा मेरी आंखों में देखो, नंदिनी के प्यार ने मुझे इतने आंसू दिए हैं, इतने आंसू दिए हैं, ये उस आग को हमेशा बुझाते रहेंगे। इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। जाकर मैं अभी सब कुछ सच सच बताऊंगी। सारा पागल हो गई हो तुम। राज, राज, I can't see you like this. Don't be foolish. Leave me, Raj. सारा परिवार की जान बचती है नंदिनी में, हम सबकी आंखों का उजाला है नंदिनी। एक बार चली गई तो हमें तो जैसे कुछ सुझा ही नहीं देगा। हाँ बेटी है, ब्याह तो करना ही था। ऐसे भी बेटियां अपने पियर में चहकने वाली चिड़िया होती है। बस कुछ देर बसेरा फिर उड़ जाना। लेकिन मेरी बेटी इतनी दूर जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। कहां गंगा का किनारा और कहां समंदर पार। लेकिन गंगा भी तो समंदर में जाकर ही मिलती है ना। हाँ बेटा वो तो सच ही है। बस तुमसे एक छोटी सी विनती है, तेरी नंदिनी को कभी किसी चीज के लिए दुख मत पहुंचाना। कहते हैं ना कि अगर परदेश में बेटी की आंखों में आंसू है तो मां का आंचल भीग जाता है। दिल की बहुत कोमल और भावुक है हमारी नंदिनी। कैसे कैसे हमने अपना मन मार के और तन काट के इस लायक बनाया। बस बहुत खुश रखना उसे, उसकी तरफ से कभी हमें दुख मत पहुंचाना। माँ जी मॉरिशस में मेरा घर नहीं महल है, और नंदिनी को मैं उस महल की शहजादी बना के रखूंगा।